जिंदाबाद जिंदाबाद कस्टर नारायण मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद कस्टर नारायण मोदी जिंदाबाद। बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रगति का वाहक है, आज भी उन्होंने उस शब्द को उपयोग किया। मैंने भी अपनी स्पीच में ग्रोथ इंजन शब्द का उपयोग किया, भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन है। उसी भावना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय रेल का विकास करने में लगे हुए हैं। इसको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेलवे बनाने के लिए, हमारी जो ट्रेनें हैं वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गति से चलने वाली ट्रेनें बने, हमारे रेलवे स्टेशन जो है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन बने, हमारे जो रेलवे लाइनें हैं उनके नीचे या ऊपर आने जाने वालों के लिए जो गतिरोध पैदा होता है उसकी जगह एकदम सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन हो, लोगों का आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। इन सारी भावनाओं के तहत उन्होंने अमृत भारत रेलवे गौ की जनता की तरफ से, आप सब की तरफ से, हम सब की तरफ से मैं साधुवाद बधाई और शुभकामना अभिनंदन देना चाहूँगा। उन्होंने मऊ रेलवे स्टेशन के विकास के लिए लगभग 53 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत किया है, जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। और वास्तविक बात तो यह है कि उसका काम ऑलरेडी धरातल पे शुरू हो चुका है। उसी प्रकार 11 अंडर ब्रिज का लोकार्पण हुआ है, जिसमें लगभग एक अंडर ब्रिज की कीमत औसतन 4.25 करोड़ रुपए की आती है। 4.25 करोड़ रुपए के ऐसे 11 अंडर ब्रिज का आज लोकार्पण हुआ है, जिसकी कीमत कुल 41.39 करोड़ होती है। साथ ही आप सबके संज्ञान में है, परसों माननीय रेल मंत्री जी के कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से रेलवे ने इंदारा अदरी पर जो रेलवे क्रॉसिंग की कई दशकों से 300 साल से जो प्रतीक्षा थी वो पूरी करते हुए 65 करोड़ रुपए का ओवरब्रिज बनाने के कार्य को भी मंजूरी दे दिया है। मैं इन सभी कार्यों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का, जिले की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाल निकेतन का जो पुल है उसका कार्य भी बहुत शीघ्र शुरू हो जाएगा, उसकी सारी औपचारिकता पूरी। लोकल मुद्दों की बात करें मंत्री जी, कि मऊ में सफाई को लेकर काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है, जिन सफाई कर्मियों को फील्ड में होना चाहिए वो सफाई देखते नजर आ रहे हैं। ये सफाई का जो कार्य है सभी निकायों में बड़ी मुस्तैदी के साथ हो रहा है, पूरे राज्य में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और इसमें पहले का मऊ और आज का मऊ में आप 10 साल पहले, 5 साल पहले या 2 ही साल पहले कि मऊ को आप मानसिक रूप से सोच करके देखिए, आज में और पहले के मऊ में बहुत फर्क है।